आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल, एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, वो फोर्स लगाया जा रहा है इस तरह से, ठीक है, तो यो एंगल बन रहा है, यहाँ से देखा जाए तो वो एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है, तो ये फोर्स इस तरह से, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस 45, ठीक है, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन 45, क्योंकि एंगल 45 दे रखा है, फिर डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें एंगल क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं, इसमें गिवन है थीटा इक्वल 45 डिग्री, ठीक है, फोर्स गिवन है वो कितना है, जो फोर्स दे रखा है 40 न्यूटन, ये गिवन है, ठीक, 40 न्यूटन। हमसे फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन, ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, W इक्वल F डिस्प्लेसमेंट, सपोज दैट ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है S, ठीक, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या है, F cos 45, तो वर्क का जो फार्मूला बनेगा वो क्या है, F cos थीटा, और थीटा कितना गिवन है, W इक्वल F cos 45, और F की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, W इक्वल 40, cos 45 की वैल्यू दे रखी 1 root 2, इसे सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 14 मीटर, ठीक है, तो यहां हो जाएगा फोर्स की जगह तो एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, और एस की वैल्यू क्या है, 14, तो यहां से 14 इसे लगाओ आप, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल 40 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 7 into 2, 14 को अपॉन 1 root 2, और 1 root 2 से इसे हम रूट 2 कह सकते हैं, तो ये W इक्वल कितना हो जाएगा, अबाउट 218 root 2, अगर आप रूट 2 की वैल्यू लगाना चाहते हैं तो रूट 2 की वैल्यू होती 1.41, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज ये भी ठीक आंसर है।